Assalamu alaikum, welcome to my channel Education at Ease. Today we are going to start the next chapter of our class 9th biology book, chapter number 5, cell cycle. In this chapter we will going to discuss about the cycle of the cell, कैसे सेल की साइकिल कंप्लीट होती है, कैसे एक सेल से दो सेल बनते हैं, किस तरह से सेल की ग्रोथ होती है, क्या इसमें प्रोसेस इंक्लूडेड है. सबसे पहले तो हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, देन सेल साइकिल के तमाम स्टेजेस आएंगे जिसमें माइटोसिस, फेजेस ऑफ माइटोसिस है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, एंड देन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस है, मेयोसिस है और फेजेस ऑफ मेयोसिस है. टाइटल पेज पर मौजूद ये सेल साइकिल ये डायग्राम आपको बहुत कुछ बता देगी अगर आप इसे बहुत गौर से देखें, समझने की कोशिश करें कि सेल साइकिल है क्या. साइकिल बेसिकली कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यू रहता है. तो सेल में क्या कंटिन्यूएशन है, सेल के प्रोसेस में क्या कंटिन्यूएशन रहती है. एम फेज है, देन जी नॉट फेज है, जी वन फेज है, एस फेज है, जी टू फेज है. ये फेजेस क्या है, सबसे पहले तो एम फेज देखते हैं. एम मीन्स माइटोसिस फेज. ये फेज डिवीजन का फेज कहलाता है सेल का. इस फेज में डिवीजन होती है. माइटोसिस में चार फेजेस इंक्लूडेड होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. फिर जब सेल डिवाइड हो जाता है तो वो जी नॉट फेज में चला जाता है. कुछ देर के लिए वो रेस्टिंग फेज में होता है. रेस्ट करने के बाद फिर वो ग्रोथ स्टार्ट करता है. ग्रोथ के बाद वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, जिसे जीवन फेज कहा जाता है. देन जीवन फेज के बाद स्टार्ट होता है इनका एस फेज. एस फेज को डीएनए रेप्लिकेशन फेज या सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, जहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. देन उसके बाद अगेन ग्रोथ फेज आता है, जी टू फेज जिसे कहते हैं. ग्रोथ होने के बाद फिर सेल प्रिपेयर हो जाता है अगेन डिविजन के लिए. सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. We have objectives, MCQs and fill in the blanks. Encircle the correct answers. Which process involve mitosis? इनमें से कौन सा process है जो कि mitosis में involve होता है? The answer is B. Growth, repair and asexual reproduction. Number 2, what occurs in the metaphase of mitosis? Metaphase में क्या होता है? Metaphase में chromosomes जो हैं वो line up हो जाते हैं equator of the cell में, बिल्कुल center of the cell में खुद को line up कर लेते हैं. Select the mismatch, इनमें से क्या चीज mismatch है? Telophase में nuclear membrane का disappear हो जाना mismatch है, जबकि टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होती है. विच प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल? एनिमल सेल के प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स. सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड? किस वजह से सेल जो है वो सुसाइड कर लेता है? दैट इज ए, एपोप्टोसिस. चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेयोसिस. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है मेयोसिस के हवाले से? दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक सेल्स फ्रॉम जर्म सेल. जर्म सेल से सोमैटिक सेल्स का बनना. अ टाइप ऑफ सेल डिविजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस स्पोर्स. ऐसे सेल डिविजन जिसमें से स्पोर मदर सेल जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. द आंसर इज सी, मेयोसिस. स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड्स रीच पोल्स एट देयर मूवमेंट सीजेस. कौन सी स्टेज है माइटोसिस की जिसमें क्रोमेटिड्स जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाते हैं और उनकी मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, सीज हो जाती है? दैट स्टेज इज नोन एज एनाफेज. स्टेज ऑफ मेयोसिस इन विच सेंट्रोमियर शॉर्टन एंड द पेयर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर. कौन सी स्टेज है मेयोसिस की जहां पर सेंट्रोमियर छोटी हो जाती है और पेयर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे को पुल करते हैं अपनी तरफ? दैट इज एनाफेज टू. फिनोमिनन इन विच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स फेल्स टू सेपरेट कॉल्ड. ऐसा फिनोमिना जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होने में फेल हो जाते हैं, ये कंडीशन कहलाती है नॉन डिसजंक्शन. नाउ मूव टू ब्लैंक्स. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर्स बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल. द टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर. Chromosomes in the cell which are similar to each other in shape and size are called homologous chromosomes. Chromosomes with one arm very small and other arm very long called acrocentric or subtelocentric.
Chromosomes consist of genetically identical copies of thread called sister chromatids. Period of extensive metabolic activity in which cell grow or enzymes are synthesized, that is G1 phase. In animals, meiosis produces gametes. During metaphase, homologous chromosomes arrange themselves on the equator. Cell death, which is caused by external factor called necrosis. Now let's move to definitions. Define the following terms. There are 10 terms given. We have to define them one by one. Number one is picatin. The stage of prophase in meiosis in which pairing of homologous chromosomes is complete. Longitudinal cleavage occurs in each chromosome to form two sister chromatids so that each homologous chromosome pair becomes a set of four chromatids, the tetrad. Picatin एक प्रोफेज का स्टेज है मियोसिस में. मियोसिस वन का प्रोफेज वन. पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कंप्लीट और फिर हर क्रोमोसोम में एक लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज होता है जिसकी वजह से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, दो पेयर बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. जब दो पेयर बनेंगे तो वो जो कंडीशन होती है क्रोमेटिड्स की वो फोर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं और वो कंडीशन कहलाती है टेट्राड कंडीशन. साइटोकाइनेसिस, चेंजेस अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आउटसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन होने के बाद, न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, जो चेंजेस आती हैं, वो साइटोकाइनेसिस कहलाती है. बाइवेलेंट, अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स each split into two sister chromatids as seen during the picatin stage of prophase in meiosis. Bivalent कहते हैं दो pair homologous chromosomes के जो कि split हो जाते हैं two sister chromatids में. picatin stage में जो tetrads बने थे उनकी जो pairing है वो bivalent कहलाती है. Chiasmata, the cross-shaped connection produced by the crossing over of pairing chromosomes during meiosis. Meiosis में pairing होती है chromosomes की तो एक क्रॉस शेप कनेक्शन बन जाता है दोनों क्रोमेटिड्स का. तो वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्रॉसिंग ओवर वाला वो कहलाता है चियाज्मेटा. क्रोमेटिड्स, टू स्ट्रैंड्स इनटू व्हिच अ क्रोमोसोम डिवाइड्स ड्यूरिंग माइटोसिस. दो स्ट्रैंड होते हैं क्रोमोसोम के जो माइटोसिस में डिवाइड हो जाते हैं. दे सेपरेट टू फॉर्म डॉटर क्रोमोसोम्स एट एनाफेज और वही बाद में आपस में सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और फिर वो डॉटर क्रोमोसोम्स बनाते हैं एनाफेज में. एनाफेज में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का जो पेयर है वो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ फुल होता है. दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एनाफेज में क्रोमेटिड्स. डाइकाइनेसिस, द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मेयोसिस ड्यूरिंग विच होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू सेपरेट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर. डाइकाइनेसिस जो है वो प्रोफेज वन की फाइनल स्टेज होती है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होते हैं क्रॉसिंग ओवर करने के बाद. क्रॉसिंग ओवर के लिए वो एक दूसरे के करीब आते हैं, फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं और फिर जब वो सेपरेट होते हैं तो वो डाइकाइनेसिस स्टेज कहलाती है. टर्मिनलाइजेशन, डाइकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चियाज्मेटा शिफ्ट टुवर्ड्स द क्रोमोसोम एंड्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन. डाइकाइनेसिस स्टेज पर जो चियाज्मेटा की शिफ्टिंग है टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम ये प्रोसेस टर्मिनलाइजेशन कहलाता है. नेक्रोसिस, टाइप ऑफ सेल डेथ्स व्हिच इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर. सेल की डेथ हो जाती है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन है या कुछ टॉक्सिन है, कोई जहरीला मवाद है सेल में मौजूद, या कोई ट्यूमर है, या कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई सेल डेथ हो जाती है, वो नेक्रोसिस कहलाती है. क्रॉसिंग ओवर, एन एक्सचेंज ऑफ इक्विवेलेंट जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस. मियोसिस के प्रोफेस में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल का एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड्स में. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में अपना जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज करते हैं, वो प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर कहलाता है. सेंट्रोमेयर, द सेंट्रोमेयर इज द पॉइंट ऑन अ क्रोमोसोम वेयर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू पुल सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उनके जो बीच में मौजूद एक पॉइंट होता है जहां से वो दोनों अटैच होते हैं वो पॉइंट सेंट्रोमेयर कहलाता है. बाद में स्पिंडल फाइबर्स जो है वो दोनों क्रोमेटिड्स को वहां से पुल करके अलग कर देते हैं. After completing the definitions, now move to the differences of the exercise. We have to write three differences, prophase and prophase 1. क्या difference है prophase में और prophase 1 में?
प्रोफेज माइटोसिस में होता है और प्रोफेज वन मेयोसिस में होता है। प्रोफेज जो है वो शॉर्टर फेज है जबकि प्रोफेज वन लॉन्गर फेज है मेयोसिस का। नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगर, यहाँ पेयरिंग नहीं होती होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जबकि प्रोफेज वन में पेयरिंग होती है। नो रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती जबकि प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन और साइनेप्सिस होता है। प्रोफेज और टीलोफेज का डिफरेंस, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की और टीलोफेज लास्ट स्टेज है। क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, प्रोफेज में क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं ताकि वो क्रोमोसोम्स बन सके, जबकि टीलोफेज में क्रोमोसोम्स मूव हो जाते हैं अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है जबकि टीलोफेज में वो रीअपीयर हो जाता है। पेरेंट न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, प्रोफेज में पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जबकि टीलोफेज में डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, इट इज प्रोग्रामड सेल डेथ, अपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्रामड सेल डेथ होती है जबकि नेक्रोसिस जो है वो प्री मेच्योर सेल डेथ होती है। नेचुरली अकरिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जबकि नेक्रोसिस जो है वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से होता है, किसी भी जर्म के अटैक की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से। डेथ ऑफ सिंगल सेल अकर्स, अपोप्टोसिस में सिर्फ एक सेल डेथ होती है जबकि नेक्रोसिस में बहुत सारे सेल्स जो है वो एक साथ डेथ हो जाती है उनकी। नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, अपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सेलुलर श्रिंकेज, अपोप्टोसिस में सेल श्रिंक हो जाता है जबकि नेक्रोसिस में स्वेल हो जाता है। आफ्टर डिफरेंसेस लेट्स मूव टू शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाई मेयोसिस वन इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। मेयोसिस वन को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? मेयोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, दैट इज इट गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 2n टू 1n, 46 टू 23, एज टू मेंटेन द स्पीशीज स्पेसिफिक नंबर 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को स्पेसिफिक रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए मेयोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें 2n नंबर से 1n नंबर में डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। मींस अगर मेल है तो उसके भी हाफ हो जाएंगे और फीमेल है तो दोनों के हाफ होकर फिर जब वो कंबाइन होते हैं फर्टिलाइजेशन में तो वो अगेन रीगेन कर लेते हैं अपने नंबर। इस वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सिमिलर रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। व्हाई माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, माइटोसिस क्यों जरूरी है ग्रोथ के लिए? माइटोसिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय इंक्रीजिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल्स विद फ्यू एक्सेप्शन, ऑल काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय माइटोसिस, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स सच एज ब्लड सेल्स डिपेंड्स ऑन माइटोसिस, द हीलिंग ऑफ वाउंड्स रिपेयर ऑफ वियर and tear within organism is also dependent upon the mitotic division. Mitosis growth ke liye kyun zaruri hai? Development of cell, growth of cell, increase the exact copies of cell mitosis ki wajah se hota hai. Mitosis ki wajah se hi bahut sare cell bante hain, jaise agar hame koi wound ho gaya, koi injury ho jati hai, तो अगर सेल्स के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा वो वाउंड हील नहीं होगा। इसी तरह हम नेल्स कट करते हैं तो वो नेल्स अगेन रीग्रो हो जाते हैं, ये प्रोसेस भी माइटोसिस कर रहा होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो भी माइटोसिस की वजह से बन रहे हैं। हाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्रोमोसोम नंबर कैसे कॉन्स्टेंट रहता है जनरेशन से जनरेशन? देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर कॉन्स्टेंट। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो वो कांस्टेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर इज कैप कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मेयोसिस। व्हाइल माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन व्हिच इंश्योर्स द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम इन सोमैटिक सेल्स, मेयोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन व्हिच टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन गैमेट सेल्स सो दैट फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स इट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉन्स्टेंट रहने की वजह या वो किस तरह से कांस्टेंट रहते हैं, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही होते हैं जो पेरेंट सेल में है वही डॉटर सेल में होते हैं, लेकिन अगर हम मेयोसिस की बात करें तो वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं। फिर वही बात जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की
मेल और फीमेल में हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके गैमेट्स में, तो जब वो दोनों गैमेट्स मिल जाएंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट हो जाएंगे, वही हो जाएंगे जो एक जनरेशन में थे वही दूसरी जनरेशन में होंगे। वाई इंटरफेज इज कॉल्ड एज फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इंटरफेज को हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्यों कहा जाता है? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, सेल साइकिल में एक फेज माइटोसिस का था और बाकी सारा फेज जी नॉट से लेकर जी टू तक का फेज इंटरफेज कहलाता है, जिसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। क्यों होती हैं वो? द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरफेज। इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द एम फेज। इट इज पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल ग्रोज इन साइज, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज एंड डीएनए बेस यूनिट्स आर एक्युमुलेटेड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। इंटरफेज में सेल अपने आप को रेडी करता है डिवीजन के लिए, उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, सेल की ग्रोथ होती है, इसीलिए इंटरफेज को हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का फेज भी कहा जाता है। वाई इंटरफेस बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू इज शॉर्ट। मियोसिस वन से लेकर मियोसिस टू के बीच में जो इंटरफेस है वो बहुत शॉर्ट क्यों होता है? रीजन क्या है उसका? डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती मियोसिस वन और मियोसिस टू के दरमियान। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अननेसेसरी बिकॉज ईच क्रोमोसोम ऑलरेडी हैज टू क्रोमेटिड्स। क्यों रेप्लिकेशन अननेसेसरी है डीएनए की इन दोनों के बीच में? क्योंकि पहले से दो क्रोमेटिड्स बन चुके होते हैं क्रोमोसोम्स के। दैट इज व्हाई इट इज शॉर्ट बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। इसीलिए इंटरफेज जो है वो बहुत कम होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है मियोसिस वन और मियोसिस टू का। नाउ लेट्स मूव टू द लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। So the question number one is describe various stages of mitosis with suitable diagram. Stages of mitosis बतानी है diagram के साथ. So what is mitosis? In this type of cell division, a parent cell divides into two daughter cells in a way that the number of chromosomes in the daughter cells remains the same as in parent cell. ऐसी cell division है जिसमें parent cell divide होता है two daughter cells में और number of chromosomes constant रहता है, same रहता है जैसे कि parent cell में था. माइटोसिस जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो दो फेजेस होते हैं माइटोसिस के, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में एक न्यूक्लियर डिवीजन होती है एंड देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस इट कैन डिवाइड फर्दर फॉर कन्वीनियंस इनटू फोर फेजेस व्हिच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंसेस एंड बिकम विजिबल एज थिक कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस होता है, थिक होता है, विजिबल होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपीयर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होना स्टार्ट होती है। सेंट्रोसोम्स डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम्स जो कि ऑर्गेनल है सेल के, वो डिवाइड होते हैं और दो सेंट्रियोल्स बनाते हैं जो कि ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं एनिमल सेल्स में और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। द सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स और प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। मेटाफेज During this phase, each chromosome arranges itself on the equator of the spindle fiber. इस फेज में क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर में, स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होकर। इक्वेटर मीन्स की सेंट्रल पॉइंट जो है न्यूक्लियस का, वहां पर ईच क्रोमोसोम्स इज अटैच टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमेयर। जहां से क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच हैं सेंट्रोमेयर, वहां से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं ताकि वो क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर सके। एनाफेज, इन दिस फेज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड्स एंड द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अदर पोल्स। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है तो वो सेंट्रोमेयर को खींचते हैं, पुल करते हैं अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर करते हैं और एक डिफरेंट पोल्स पे उनके रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ उनको ले जाते हैं। इन दिस वे वन सेट ऑफ क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स वन पोल व्हाइल द अदर सेट टुवर्ड्स द अदर पोल। इस तरह एक क्रोमोसोम जो है वो दो में डिवाइड होता है, दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं एक एक और दोनों जो है वो अलग अलग सेट बना लेते हैं क्रोमोसोम्स का। इस तरह दो सेट्स बन जाते हैं
दोनों पोल्स की तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी. देन टेलोफेज, दिस इज अ स्टेज व्हेन द क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स रीच एट द रिस्पेक्टिव पोल्स एंड देयर मूवमेंट सीजेस. जब वो अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो उनकी मूवमेंट रुक जाती है. ईच पोल रिसीव्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. दोनों पोल्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहते हैं जितने पेरेंट सेल में थे. The nuclear membrane is reformed around each set of the chromosome, और nuclear membrane again reform हो जाती है. The two daughter nuclei formed in each cell, और दो daughter nuclei बन जाते हैं हर cell के अंदर. Nucleus divide हुआ है अभी, karyokinesis का process था, then cytokinesis होती है. The cytoplasm of the cell divides and two daughter cells are formed, फिर cytoplasm divide होता है. Animal cell में cytokinesis जो है वो constriction की वजह से बनता है. दिस कंस्ट्रिक्शन बिकम्स डीप टू डिवाइड साइटोप्लाज्म इन टू इक्वल हाफ्स एंड द टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. एंड इन प्लांट सेल इट अकर्स बाय डेवलपिंग सेल प्लेट. इन दिस वे द डॉटर सेल्स बिकम द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. हियर वी कैन सी द डायग्राम. दिस इज द इंटरफेस. यहाँ पर हमें क्रोमोसोम्स नजर नहीं आ रहे. अर्ली प्रोफेस में यही कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और ये क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं. एंड दीज आर द सेंट्रियोल्स. पोल्स की तरफ मूव करते हैं और फिर इन्हीं सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती है और वो इन सेंट्रोमेयर्स के साथ अटैच होते हैं मेटाफेज में. इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं एंड देन एनाफेज में स्पिंडल फाइबर की कंट्रैक्शन हुई. कंट्रैक्ट होने की वजह से स्पिंडल फाइबर ने दोनों क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया, दोनों क्रोमेटिड्स को अलग कर दिया. और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोनों न्यूक्लियाई, दोनों रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाते हैं और दोनों में अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है. इस तरह से एक सेल था, एक से वो दो में डिवाइड हो जाते हैं टेलोफेज तक. अगेन स्पिंडल फाइबर यहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं और सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ होते हैं. और ये बीच में जो है कंस्ट्रिक्शन बनती है एनिमल सेल में, जिसके बाद दोनों सेल्स डिवाइड हो जाएंगे. और एनिमल सेल में यहाँ पर एक प्लेट बन जाती है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, और वो प्लेट जो है वो दोनों को, दो सेल्स को डिवाइड कर देती है. डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ मियोसिस वन विद सुटेबल डायग्राम. अब हम मियोसिस वन को देखते हैं. मियोसिस वन में डिफरेंट स्टेजेस हैं. मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू फोर डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ इन ईच डॉटर सेल. मियोसिस में सेल डिवाइड होता है फोर डॉटर सेल्स में, जबकि माइटोसिस में टू डॉटर सेल्स बने थे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं. लेकिन माइटोसिस में क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं. अच्छा, हाफ कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 2n इन्हें कहते हैं. और जब ये डॉटर सेल्स बनाएंगे तो इनमें से एक एक क्रोमेटिड जो है वो हर सेल में होगा, हर न्यूक्लियाई में होगा. तो इस वजह से वो हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. मियोसिस वन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहते हैं. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ. मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं, जो कि मियोसिस वन का प्रोफेस वन जो है उसमें मजीद और सब स्टेजेस मौजूद हैं, जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस. लिप्टोटीन ड्यूरिंग दिस सब स्टेज ऑफ फॉलोइंग चेंजेस अकर. द क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिप्टोटीन. ईच थ्रेड हैज टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिप्टीन इन ईच सेल कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर. क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक होता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग बीडेड थ्रेड लाइक लिप्टोटीन्स में. बीडेड अपियरेंस होती है इस वक्त यहाँ लिप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स की, जो कि होमोलोगस स्ट्रक्चर रखते हैं. और जाइगोटीन में ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलोगस सिमिलर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स विच कम्स फ्रॉम द फीमेल एंड मेल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड देयर लेंथ वाइज पेयरिंग टेक्स प्लेस. मेल और फीमेल से आने वाले क्रोमोसोम्स जो है वो लेंथ वाइज पेयरिंग करते हैं. द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस. जब उनकी पेयरिंग होती है, वो जो पेयरिंग जिस स्टेज पे जिस पॉइंट पर आके वो पेयरिंग कर रहे हैं वो साइनेप्सिस कहलाता है. वाइल द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नोन एज बाइवेलेंट. और जब ये पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तब वो पेयर जो है वो बाइवेलेंट पेयर कहलाता है. पिकाइटीन द साइनेप्टिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बाइवेलेंट डिक्रीज एंड द क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड सेपरेट.
जब बाइवेलेंट क्रोमोसोम की साइनेप्टिक फोर्स जो उनको जोड़ कर रख रही थी पेयर बनाने में, वो डिक्रीज होती है तो क्रोमोसोम अनकॉइल होता है, सेपरेट होता है. द सेपरेशन इज हाउएवर इनकम्प्लीट एंड पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एट वन और मोर पॉइंट्स कॉल्ड चियास्मेटा. ये जो पेयरिंग है वो इनकम्प्लीट होती है, कहीं कहीं पर वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होते हैं. जहां जहां जिस पॉइंट में दोनों क्रोमोसोम्स आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं वो पॉइंट जो है वो चियास्मेटा कहलाता है. ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली. होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट होता है, टूटता है लॉन्गिट्यूडनली एक्सेप्ट इन द सेंट्रोमियर रीजन, जबकि वो सेंट्रोमियर रीजन वहां से अभी सेपरेट नहीं हुआ होता. ईच बायवेलेंट इज कंपोज्ड ऑफ फोर क्रोमेटिड्स. हर बायवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो फोर क्रोमेटिड्स पर कंसिस्ट करता है, जिसे बायवेलेंट टेट्राड कहा जाता है. डिप्लोटीन द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिड एट चियास्मेटा. डिप्लोटीन स्टेज में जो पेयरिंग होती है, जहां पर दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसे चियास्मेटा कहते हैं, वहां पर सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं दोनों क्रोमेटिड्स के आपस में, और ये कंडीशन, ये पॉइंट कहलाता है क्रॉसिंग ओवर का, जो कि डिप्लोटीन स्टेज में होता है. यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है. ड्यूरिंग दिस सब स्टेज न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपीयर. डायग्नेसिस में न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट होती है. इससे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद रहती है. फिर माइटोटिक अपरेटस स्पिंडल फाइबर कंप्लीट होता है. चियास्मेटा मूव होता है सेंट्रोमियर से एंड की तरफ. एंड ऑफ द क्रोमोसोम लाइक अ जिपर. देन आती है मेटाफेज वन. फॉलोइंग चेंजेस अकर इन दिस फेज. बायवेलेंट लाइनअप एट द इक्वेटोरियल प्लेन. वही फिर ये बायवेलेंट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होते हैं. सेंट्रोमियर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. फिर वही स्पिंडल फाइबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दोनों जो है वो रिस्पेक्टिव फोर्स की तरफ हाफ हाफ क्रोमोसोम्स को ले जाते हैं. एट दिस स्टेज वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस पेयर बायवेलेंट बिगिंस टू सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव होल बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. द एक्चुअल रिडक्शन अकर्स एट दिस स्टेज बिकॉज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मूव टू ईच पोल. मोर ओवर एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर द टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू नॉट रिजेंबल विद ईच अदर इन द जेनेटिक टर्म. देन टेलोफेज वन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम्स एट ईच पोल. फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है दोनों पोल्स की तरफ और क्रोमोसोम्स जो है वो अनकॉइल हो जाते हैं. न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाता है और टू डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं. जैसा कि माइटोसिस में टू डॉटर न्यूक्लियाई बने थे, यहाँ पर अभी तक टू डॉटर न्यूक्लियाई मियोसिस वन के फेज में कम्प्लीट हुए हैं. अब साइटोकाइनेसिस होती है टीलोफेज में और मे नॉट बी अकम्पनीड बाय साइटोकाइनेसिस एंड डॉटर सेल्स फॉर्मेशन. कभी पॉसिबल होती है और कभी नहीं भी होती इस फेज में. देन इंटरफेज आता है इंटरफेज वन. इफ दिस स्टेज अकर देयर इज अ शॉर्ट पीरियड कॉल्ड इंटरफेज बिफोर मियोसिस टू. मियोसिस टू पे जाने से पहले इंटरफेज आता है. इट इज सिमिलर टू इंटरफेज बिटवीन माइटोटिक डिवीजन एक्सेप्ट दैट डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अननेसेसरी बिकॉज ईच क्रोमोसोम ऑलरेडी हैज टू क्रोमेटिड्स. ये जो बीच का इंटरफेज है बहुत कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि पहले से इनके पास डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी होती है. अब इसे मजीद जरूरत नहीं है तो सेल ज्यादा टाइम नहीं लेता. फिर वो मियोटिक टू डिवीजन की तरफ मूव ऑन हो जाता है. फिर अगेन वही प्रोसेस होता है जो माइटोसिस का होता है. ये टू टू डॉटर सेल जो है वो फर्दर डिवीजन करके फोर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम. लिप्रोटीन स्टेज में, देन जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाती है. पिकाइटीन में साइनेप्स बनता है. देन डिप्लोटीन में क्रॉसिंग होती है. ये चियास्मेटा कहलाता है, जहां से दोनों क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होते हैं, एक दूसरे के फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंजिंग के बाद फिर मेटाफेज वन में ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो जाते हैं. अरेंजमेंट के बाद एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है. दोनों क्रोमोसोम्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पुल किया जाता है. यहाँ पर आप कलर चेंज देख सकते हैं. ये कलर चेंज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इन्होंने अपने फ्रेगमेंट्स को एक्सचेंज किया. मींस कि अब ये वाले जो फ्रेगमेंट है इनका जेनेटिक मटेरियल इनके पास चला जाएगा और इनका जेनेटिक मटेरियल इनके पास आ जाएगा. इस तरह से वेरिएशन आ जाती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. एनाफेज वन कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज टू एंड देन एनाफेज टू वही आगे कंटिन्यू रहता है. आई होप के आप लोगों को समझ में आ गई होगी. बुक में मौजूद डायग्राम भी इजी है, आप वहां से भी समझ सकते हैं.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।